बड़े बड़े शहरों में घरों को अपलिफ्ट करने की कहानी हम लोग देखते आए हैं, लेकिन हजारीबाग में आज पहली बार घर को ही अपलिफ्ट करने किया जा रहा है। प्रायः ये शिवपुरी का एरिया है जहां बरसात के दिनों में पानी घरों में घुस जाता था। ऐसे में यहां के लोग काफ़ी परेशान थे और उन्होंने सोचा क्यों ना घर को ही अपलिफ्ट किया जाए। तो आप देख सकते हैं करीब जमीन से 5 फीट से अधिक अपलिफ्ट कर दिया गया है। ये पहली बार हजारीबाग में हो रहा है। यहाँ अंदर में जो लोग लगे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने किया और ये क्या बात है। देखिए पूरे हर जगह आपको दिखा दे जैक लगा हुआ है, इसी जैक से ये पूरा ज़मीन से ऊपर किया गया है। अभी अगर देखा जाए तो हमारे हाइट से भी ऊपर ये घर को अपलिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पर लगे हुए हैं इंजीनियर बोला जाए या फिर साइट इंचार्ज हैं, उनके अलावा जो उनके सहयोगी हैं वो है। पहले तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कितना ये ऊंचा उठाया गया है। ये ज़मीन से आप देख रहे हैं, ये ज़मीन का हिस्सा है और ये इस लेवल तक, मतलब हम मेरी हाइट जो है वो करीब 5 फुट 11 इंच है और हम मुझसे ऊँचा इस घर को अपलिफ्ट कर दिया गया है। आपको दिखाते देखिए वो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा को देखने से मालूम चल जाएगा कि अपलिफ्ट कितना किया गया। तो स्पष्ट हो जाता है कि काफ़ी ऊंचाई करीब करीब 6 फीट से ऊपर अपलिफ्ट कर दिया है घरों को। यहाँ पर काम चल रहा है, सीमेंट बालू का काम भी चल रहा है। ये लोग लगे हुए हैं, यहाँ इंचार्ज हैं, उनसे ही बात करेंगे आखिर है क्या, ये हो क्या रहा है जैक हजारीबाग में। तो पहली बार ये जी ये हाउस लिफ्टिंग का काम चल रहा है। ये MMJ इंजीनियरिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उत्तर प्रदेश की कंपनी है। लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑल इंडिया सर्विस है और कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी है 94155 17 95 95 12 3000। कहीं भी ऑल इंडिया सर्विस दे रही है कंपनी। इसके जो जैक लगी है, पहले बुनियाद खोदी जाती है 1 फीट पर दूरी से, उसके बाद जैक लगाई जाती है। जैक लगाने के बाद पूरी बिल्डिंग में जैक लग जाएगी। ये जो लोहे के चैनल है ना, ये लग जाएंगे। चैनल लगने के बाद क्या अपना एक ग्रेड बीम बन जाता है, ये पूरा वेट आ जाएगा बिल्डिंग का चैनल के ऊपर। उसके बाद वाटर लेवल के साथ लिफ्टिंग हो जाएगा। तकरीबन 20-25 बंदे लगेंगे नंबर वार से। अपना सुपरवाइजर बीच में खड़ा होगा, नंबरों के साथ वर्करों के साथ नंबर बोलेगा, नंबर एक, उसी हिसाब से नंबर एक पूरी बिल्डिंग में जैक में लगेगी। 10 जैक एक बंदा चलाएगा, 10-12 जैक। हाँ, तो इसमें 1300 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है, या पूरी टोटल नीचे ऊपर मिला के 2200 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है। इसमें जैक यूज हुई है, 250 जैक यूज हुई है जी। तो ये क्या घर मजबूत रहेगा पूरा? बिल्कुल बढ़िया मजबूत रहेगा। तो मिट्टी का बना हुआ है, चूने गाड़े का बना हुआ बिल्डिंग भी है और इससे पुराना ओल्ड मकान मैंने लिफ्ट किया है, लिफ्ट भी किया है, शिफ्टिंग भी किया है। अभी देख सकते हैं उधर आपने चूने की बनी हुई बिल्डिंग है मिट्टी की, उधर आप दरवाजा बीच में खड़ा होगा, नंबरों के साथ वर्करों के साथ नंबर बोलेगा, नंबर एक, उसी हिसाब से नंबर एक पूरी बिल्डिंग में जैक में लगेगी। 10 जैक एक बंदा चलाएगा, 10-12 जैक। हाँ, तो इसमें 1300 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है, या पूरी टोटल नीचे ऊपर मिला के 2200 स्क्वायर फीट बिल्डिंग है। इसमें जैक यूज हुई है, 250 जैक यूज हुई है जी। तो ये क्या घर मजबूत रहेगा पूरा? बिल्कुल बढ़िया मजबूत रहेगा। तो मिट्टी का बना हुआ है, चूने गाड़े का बना हुआ बिल्डिंग भी है और इससे पुराना ओल्ड मकान मैंने लिफ्ट किया है, लिफ्ट भी किया है, शिफ्टिंग भी किया है। अभी देख सकते हैं उधर आपने चूने की बनी हुई बिल्डिंग है मिट्टी की, उधर आप बैठिए ज़रा घुमा लीजिए, देख लीजिए वो, देख लीजिए जी। इसमें कैसे होता है ये, आप लोग ये टेक्निक लाए कहाँ से? ये हमें तो 8 साल हो गए इस लाइन में आए हुए और ये काफ़ी सालों से काम चल रहा है, कम से कम 25-26 साल हो गए हैं काम होते हुए। अभी तो मुझे कमी एज हुई है इस काम में जी। तो ये आखिर आपके मन में बात आई कहाँ से, कैसे अपलिफ्ट होता है, क्योंकि ये तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ भी है, बाकी मन में आई क्या? ये हमारे जो भाई है मोहम्मद जाहिद, उनके दिमाग में ख्याल आया, फिर ये हरियाणा से काम चालू किया, फिर ये ऑल इंडिया सर्विस देने लगी कंपनी। अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो कितने लोगों को घर को अपलिफ्ट किया? अभी तो मैंने तकरीबन 8.5 साल में मैंने मकान में 200 लिफ्ट कर दिया है और बाकी मैं बता नहीं सकता भाई लोग जो हैं वो कितने मकान लिफ्ट कर दिया है। बहुत सारी एग्रीमेंट पेपर ऑफिस में रखे हुए हैं और बुकिंग जो पैड है वो भी रखी हुई है जी। अगर कोई लोग चाहे हजारीबाग का कि उनको घर अपलिफ्ट कराना है या घर पानी घुस रहा है तो क्या समस्या का समाधान हो सकता है? घर तोड़ने जरूरत नहीं है? बिल्कुल जी, हमने नंबर बोल ही दिया हूँ 95 19 12 3000, 95 19 12 3000। और आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हम हजारीबाग जाके साइट विजिट करके बिल्डिंग का लोकेशन देखूँगा क्या हालात हैं, उसके बाद मैंने काम चालू हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छी खबर है क्यों हजारीबाग वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी पुराना शहर है और यहाँ पर ऐसा समस्या आता है कि बरसाती पानी घर में घुस जाता है, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो उस समस्या से निजात अब पाया जा सकता है। यहाँ कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं? ठोकाई का काम कर रहे हैं,
हाउस लिफ्टिंग का। हाँ, कितना दिनों से लगे हो यहाँ पर हम लोग? तो हो गया है एक हफ्ता से प्लस हो गया, पिछले आए थे दूसरे आदमी वो कर रहे चिन्ह होते रहता से। हाँ, कितना ऊंचाई हो गया अभी तक? अभी तक तो 5 फीट हो चुकी है, 5 फीट घर ऊपर हो गया है। तो देखिए 5 फीट ऊपर है, सबसे अहम बात है कि फैमिली उस पर रह रही है। यहाँ फैमिली रहते हैं? जी हाँ, ये जो मकान मालिक है अपने तो उस पर शिफ्ट भी है और नीचे वर्क चल रहा है, ऊपर मकान मालिक से। तो भय लगता नहीं कि घर ऊपर उठ रहा है? सर ये पता नहीं चलता, जब मकान लिफ्ट होता है तब ऊपर बंदा रहेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा हाँ मकान लिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल बारीक बारीक नंबर चलेगा, जब लिफ्टिंग हो जाएगी शाम को पता चले। यहाँ कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं? ठोकाई का काम कर रहे हैं, हाउस लिफ्टिंग का। हाँ, कितने दिनों से लगे हो यहाँ पर? हम लोग तो हो गया है एक हफ्ता से प्लस हो गया, पिछले आए थे दूसरे आदमी वो कर रहे चिन्ह होते रहता से। हाँ, कितना ऊंचाई हो गया अभी तक? अभी तक तो 5 फीट हो चुकी है, 5 फीट घर ऊपर हो गया है। तो देखिए 5 फीट ऊपर है, सबसे अहम बात है कि फैमिली उस पर रह रही है। यहाँ फैमिली रहते हैं? जी हाँ, ये जो मकान मालिक है अपने तो उस पर शिफ्ट भी है और नीचे वर्क चल रहा है, ऊपर मकान मालिक से। तो भय लगता नहीं कि घर ऊपर उठ रहा है? सर ये पता नहीं चलता, जब मकान लिफ्ट होता है तब ऊपर बंदा रहेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा हाँ मकान लिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल बारीक बारीक नंबर चलेगा, जब लिफ्टिंग हो जाएगी शाम को पता चलेगा हाँ 1 फीट लिफ्ट हो चुका है, वो जो हमारा सुपरवाइजर होगा उसको पता चलेगा हाँ मकान लिफ्ट हो चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये टेक्निक है पूर्ण रूप से, और ये हजारीबाग में पहली बार हुई है। अगर किसी व्यक्ति को घर लिफ्ट कराना है तो इन्होंने अपना नंबर दिया है, उसमें वो बात कर सकते हैं ताकि उनके घर की समस्या का समाधान हो। बहरहाल एक छोटा सा प्रयास हजारीबाग में किया गया है, करीब 1300 स्क्वायर फीट घर है, उसे 5 फीट ऊपर उठा दिया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह के अपलिफ्टिंग का काम और हजारीबाग में दिखे। एक समस्या का समाधान अवश्य हुआ है कि घर में अब बरसाती पानी नहीं घुसेगा, अगर वो चाहते हैं अपने घर को ऊपर करना, अपलिफ्ट करना। तो क्योंकि हजारीबाग में होता है कि निचला क्षेत्र है और पठारी इलाका है तो पानी का जमाव तो नहीं होता, लेकिन बरसात के दिनों में पानी जरूर घर में घुस जाता है, तो उस समस्या का समाधान अब होगा। गौरव प्रकाश, लगातार.in, हजारीबाग।